तो दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने भी पोस्ट ऑफिस जीडीएफ भर्ती 2023 का फॉर्म भरा है और आपको नहीं पता कि इस बार का कट ऑफ क्या रहेगा, तो आज आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि आप सभी की पोस्ट ऑफिस जीडीएफ भर्ती 2018 में कितना कट ऑफ गया था, 2019 में कितना कट ऑफ गया था, 2020 में कितना कट ऑफ गया था और 2022 में कितना कट ऑफ गया था, जिसके बाद आप सभी को ये अनुमान लग जाएगा कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। और आप इसकी मदद से इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2023 में अपने परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार आपको जीडीएस का फॉर्म क्यों भरना चाहिए, यदि आपके 40% हैं, 50% हैं या 60% हैं तो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस भर्ती 2018 के कट ऑफ के बारे में कि 2018 में कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए जनरल कैटेगरी का 82% कट ऑफ गया था, ओबीसी कैटेगरी का 78% कट ऑफ गया था, एससी कैटेगरी का 75% कट ऑफ गया था और एसटी कैटेगरी का 72% कट ऑफ गया था। इसके बाद 2019 में कितना कट ऑफ गया था दोस्तों, तो देखिए जनरल कैटेगरी का 78% कट ऑफ गया था, ओबीसी कैटेगरी का 75%, एससी कैटेगरी का 70% और एसटी कैटेगरी का 65% कट ऑफ गया था 2019 में। देखिए कितना कम गया था, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि 2020 में कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए जनरल कैटेगरी का 2020 में 77% कट ऑफ गया था, देखिए लॉकडाउन के पहले का ही कट ऑफ है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 77% कट ऑफ गया था, एससी कैटेगरी में 75% कट ऑफ गया था और एसटी कैटेगरी का 66% कट ऑफ गया था। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएफ भर्ती 2022 के कट ऑफ के बारे में कि 2022 में कितना कट ऑफ गया था। तो देखिए जनरल कैटेगरी का 95% से लेकर 98% के बीच में कट ऑफ गया था, ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 92% से लेकर 95% के बीच में कट ऑफ गया था, एससी एसटी का 87% से लेकर 92% के बीच में कट ऑफ गया था और ईडब्ल्यूएस का 92% से लेकर 95% के बीच में कट ऑफ गया था। आप पूछेंगे दोस्तों कि 2022 में तो इतना ज्यादा हाई कट ऑफ गया था, तो क्या हमें 2023 में आवेदन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहां सिंपल तरीके से समझाता हूं, पोस्ट ऑफिस जीडीएफ भर्ती 2022 जो है लॉकडाउन के बाद निकाली गई थी। अब हुआ क्या था दोस्तों कि लॉकडाउन में जितने भी बच्चे 10th क्लास पढ़ रहे थे उनके बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज बने थे, 90%+ बने थे दोस्तों, 90, 91, 92, 93, 94, 95 किसी किसी के तो 100% यहाँ बने थे 10th क्लास में, जो लॉकडाउन के समय 10th क्लास पढ़ रहे थे, ठीक है। इसलिए हुआ क्या था दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस जीडीएफ भर्ती 2022 में जो निकाली गई थी इसमें कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चला गया, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहता हूँ यदि आपके 40% हैं, 50% हैं या 60% हैं तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए, ठीक है। अब कर लेते हैं दोस्तों कि 2023 में आखिर कितना कट ऑफ जा सकता है। तो देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जा सकता है दोस्तों तो 84% से लेकर 94% के बीच में जा सकता है, ठीक है, लेकिन 84% ही मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए 83% से लेकर 90% के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए 79% मिनिमम और 88% मैक्सिमम, ठीक है, इतने के बीच में कट ऑफ रहेगा।
एससी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो देखिए 79% से लेकर 87% के बीच में कट ऑफ रहेगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 78% से लेकर 84% के बीच में कट ऑफ रहेगा एसटी कैटेगरी का। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कितना कट ऑफ यहाँ पर ऑफ रहेगा, तो देखिए 68% से लेकर 77% के बीच में यहाँ कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। इतना कट ऑफ यहाँ जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपको साल 2023 में जीडीएस का फॉर्म जरूर भरना चाहिए, यदि आप 10th पास हैं तो, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे 60% हैं इसलिए मुझे फॉर्म नहीं भरना, ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों। आपको फॉर्म जरूर फिल करना है, 100 रुपये की तो बात है, आपको फॉर्म जरूर फिल करना है, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।